नमस्कार, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मैथ सब पे। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। चलिए आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये चैप्टर होगा हम लोग जो सीखने वाले हैं ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये थर्ड पार्ट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि हमने पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पार्ट थ्री होने वाला है, इसके बाद पार्ट फोर पार्ट फाइव परसेंटेज जैसा कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो लोग आप लोग अगर परसेंटेज के वीडियोज नहीं देखे तो पांचों वीडियोज एक बार अच्छे से देख जाइए, और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन एंड पार्ट टू अगर अच्छे से देख लेते हैं तब जाके ये वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उतने कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तीसरा बात क्या है कि हम लोग ये जो चैप्टर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, बस टोटली जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज बेस्ड कर रहे हैं, परसेंटेज के ही हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और विदाउट यूजिंग एक्स एंड वाई, बिना एक्स एंड वाई के यूज किए हुए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन, आज का हम लोग चलिए नोट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लॉस परसेंटेज। तो आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में परसेंटेज पढ़ लिए होंगे अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ चुके, तो परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट वन पार्ट टू के बाद ये जो पार्ट थ्री में डाल रहा हूँ उसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसका पहला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर रियलाइजेस दैट द सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 ऑब्जेक्ट, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस, कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 ऑब्जेक्ट, यानी 2750 ऑब्जेक्ट का क्रय मूल 2500 ऑब्जेक्ट के विक्रय मूल के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं इसके रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कट कर सबसे पहले ये क्या है 275, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 275/250। ठीक है, इसको अगर हम लोग कट कर दें तो, और इसको कट करेंगे कितना बार में 35 से 10 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, तो इसके औकात का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा 9:10, ये इसके औकात का रेशियो है। रियलिटी का रेशियो क्या होगा, ये 10 टुकड़ा और ये 9 टुकड़ा, 10:9, यानी कॉस्ट, ठीक है, रियलिटी का रेशियो क्या होगा 10:11 का। ठीक है, 25 से 11 टाइम्स 275 एंड 10 टाइम्स 250, हमने गलती से शायद लिखा था सॉरी। तो जो रेशियो होगा औकात का रेशियो क्या होगा 11:9:10 का, तो रियलिटी का रेशियो क्या होगा 10:11 का, यानी कॉस्ट प्राइस 10 है सेलिंग प्राइस 11, तो प्रॉफिट कितने टुकड़े का, एक टुकड़े का, एक टुकड़े का प्रॉफिट, प्रॉफिट होता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो 1/10 का कितना परसेंट, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी 10% का क्या है प्रॉफिट है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से सीखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इसी मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर सीख जाते तो फिर हम लोग आगे के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड हिज प्रॉफिट। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है कितना, तो इक्वल टू सेलिंग ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। ठीक है, जितना कितना प्रॉफिट होता है जब वो 11 मीटर क्लॉथ को जितने में बेचेगा उतना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है सबसे पहले ही देखते हैं, जब किसी वस्तु को हम सेल करते हैं या बेचते हैं सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में क्या जुड़ जाता है, प्रॉफिट, यही तो होता है ना, सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट, जितना में हम खरीदे और जितना प्रॉफिट हम रखे दोनों को जोड़ दिए तो उतना में ही हम क्या किए सामान को बेच दिए हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कितना है 33 मीटर, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर इक्वल टू, अब 33 मीटर बेचे तो पहले 33 मीटर खरीदे भी तो होंगे तब तो बेच रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस ऑफ सॉरी सीपी ऑफ 33 मीटर, और प्रॉफिट क्या दे रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, आंसर प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, तो प्रॉफिट के लिए क्या लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। ध्यान देना है सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ ऐड करेंगे और कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के साथ, तो ये इधर आके क्या होगा घट जाएगा, तो जो आएगा क्या आएगा 22 इज इक्वल टू 33 सेलिंग प्राइस और यहां रखते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसके औकात का रेशियो क्या है 2:3, तो रियलिटी का रेशियो क्या होगा 3:1,
दो, रिवर्स रेशियो होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है जब बीच में इक्वल टू होगा तो इसके औकात का रेशियो होगा ये, और रियलिटी का रेशियो इसी को अगर हम लोग उलट देंगे, ठीक है। यानी तीन टुकड़ा सेलिंग प्राइस है, दो टुकड़ा कॉस्ट प्राइस है, तो एक टुकड़े का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस यानी एक टुकड़ा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो एक टुकड़ा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता किस पे? सीपी पे। 1/CP × 100 = 50%, यानी जो प्रॉफिट परसेंट है कितना है? 50% है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है? सेम टाइप का इससे पहले जो हमने किया, बस उसमें क्या हो रहा था? प्रॉफिट, और इसमें क्या हो रहा है? लॉस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन? बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ द लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड द लॉस परसेंट। कह रहा है कि जब हम 33 मीटर कपड़ा को बेचते हैं तो जो लॉस होता है कितने रुपए का होता है? जितने रुपए में हम 11 मीटर क्लॉथ को बेचते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस को घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही तो होता है सेलिंग प्राइस ना। प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो घटा देते हैं, यही है सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है, जैसे मिसाल के हम लोग समझ सकते हैं कैसे, 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है, हम कह रहे हैं कि जब उसको हम लोग 80 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, तो लॉस कितना का हो रहा है? 20 का, तो 100 - 80। या फिर हम लोग कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस बताइए, जब 100 रुपया का एक वस्तु हम खरीदते हैं और 20 रुपया का लॉस होता है, सेलिंग प्राइस ऑब्वियस ही बात है उसका 80 रहा होगा, कैसे निकाले 100 माइनस लॉस जितना का हुआ था। तो चलिए आते हैं इसको देखते हैं। तो बाय सेलिंग 33 मीटर यानी एसपी ऑफ 33 इज इक्वल टू, जब सेल कर रहे हैं 33 मीटर तो पहले खरीदे भी होंगे हम लोग, और अब लॉस कितना है? एसपी ऑफ 11 मीटर, ठीक है। कहीं हैक्टिक नहीं होना, एकदम आराम आराम से हम लोग सीखते चलेंगे सब चीजों को। ये सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा प्लस में, उधर नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, 33 और 11 कितना हो जाएगा? 44। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर छोटा सा क्या, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस मान। कहने का मतलब 44 क्या है सेलिंग प्राइस और 33 क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आते हैं तो इसके औकात का रेशियो 4:3। तो रियलिटी का रेशियो क्या होता है? जब भी बीच में इक्वल टू रहेगा तो 2 बार रेशियो लेना है, ध्यान देना। औकात का रेशियो 4:3, रियलिटी का रेशियो 3:4, यानी कॉस्ट प्राइस 4 टुकड़ा है और 3 टुकड़ा सेलिंग प्राइस है, तो 1 टुकड़े का लॉस हो रहा है। 4 टुकड़ा कॉस्ट प्राइस और 3 टुकड़ा सेलिंग प्राइस है, तो 1 टुकड़े का लॉस हो रहा है। लॉस भी किस पे होता है? सीपी पे, 1/4 × 100, यानी कितने का लॉस है? 25%। क्या हो गया हमारा आंसर? उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹240 अ मैन लूजेस 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट 20%। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग 240 पे बेचते हैं तो 10% का क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस होता है यानी कितने परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है? जब मैंने बताया था कि जब भी 10% का लॉस हो तो दिमाग में कौन कौन से नंबर आना चाहिए? 100 और 90। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, अगर आप लोग पार्ट वन देखे हैं तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो 10% का लॉस हुआ यानी 90% का वैल्यू कितना दिया हुआ? 240। ध्यान देना, 240 पे बेचे तो 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस यानी 90%, 100% तो कॉस्ट प्राइस होता है, तो 90% का वैल्यू 240 दिया हुआ, और हमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट 20% प्रॉफिट, ठीक है। अब उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस 100%, यानी वो बेचना चाहता है 120% का वैल्यू, हमसे पूछा जा रहा है। तो 90% का वैल्यू दिया हुआ है, 120% का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या होगा? बेसिकली क्वेश्चन बस इतना सा है। 240 को क्या करना है? बड़ा करना है किसको, किसको यूज करके? ऑब्वियसली बात है 90% का वैल्यू 240 है, तो 120 का वैल्यू 240 से ज्यादा होगा, तो 240 को बड़ा करना है किसको, किसको यूज करके? 90 और 120 को यूज करके बड़ा करना है, इसलिए ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। 15 से 6 टाइम्स 15 से 8 टाइम्स 6 से 40 टाइम्स, यानी कितना रुपया आ जाएगा? 320 रुपीज। अगर वो 320 रुपये में बेचता है तो उसे कितना का प्रॉफिट होता है? 20% का। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछता है तो हम 120 ना निकाल के 100% का वैल्यू
निकाल के रख देते हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए ये सब चीजें आप लोगों को तब समझ में आएगी अगर आप लोग परसेंटेज पूरा अच्छे से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन एंड पार्ट टू भी आप लोगों ने पढ़ा है, तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, और पूरा अर्थमेटिक हम लोग एकदम आराम से सीख लेंगे अच्छे से, एकदम धीरे धीरे करके। कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से निकलेगा, एकदम समझ समझ के सीखना है चीजों को, ताकि कहीं भी दिक्कत आगे ना हो। एक बार अगर हम लोग वीडियो के थ्रू पढ़ ले तो फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉपकीपर, सोल्ड टू टीवी एंड बिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, शॉपकीपर सोल्ड। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ना, बस देखने में बड़ा रहता है, बट अभी जो सॉल्यूशन हम करेंगे इतना छोटा सॉल्यूशन होगा कि क्वेश्चन देख के कह सकते हैं हम लोग किसका आंसर क्या होगा। शॉपकीपर सोल्ड टू टीवी सेट एट 7400 ईच। ठीक है, 7400 रुपए प्रत्येक, 7400 रुपए एक टीवी का दाम है, दो टीवी को बेचा गया है 7400 में। तो एक टीवी को जब 7400 में बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है, और एक टीवी को जब 7400 में बेचता है तो 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देना इसमें बस दो कंडीशन को ध्यान देना है, अगर दो चीज सेल हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस सेम है और रेट भी क्या है सेम है, तो जो आंसर जो प्रॉफिट और इसमें हमेशा लॉस होगा, ध्यान देना है लॉस होगा। ठीक है, कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और रेट दोनों का सेम है, कि इतना 10% अगर लॉस हो रहा तो 10% प्रॉफिट भी है, तो जो हमेशा लॉस होगा होगा कितना, तो बस इसको करिए 10 का स्क्वायर बाय 100, कितना आएगा 1%, यानी 1% का क्या होगा लॉस होगा। इस ऐसे क्वेश्चन में बस डायरेक्टली ऐसा ही करना है, प्रॉफिट या लॉस अगर सेम दिया हुआ है जो भी, अगर ये भी 10% और ये भी, अब अगर 20-20% रहता तो क्या करते हैं, 20 का स्क्वायर बाय 100, यानी 4% का क्या हो जाएगा, बस इस फॉर्मूला कह सकते हैं, इसको एक हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि बस इतना सा इसका सॉल्यूशन होगा। देख लिए क्वेश्चन क्या है, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, यानी 1% का क्या होगा लॉस। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, पार्ट थ्री में नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें है डिसऑनेस्ट जो बिजनेसमैन वाला जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले वीडियोस आप लोगों को समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। अगर क्वेश्चन कहीं भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप थोड़ा सा पीछे करके देखिए चीजें, उतना ही मैं फिर से बोलूंगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से समझिए, मैं बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी सेहत पे ख्याल रखिए। ठीक है।